तो महाराज जी बोलया कि जोवड़ कुओ बावड़ी सरन निकसी ताल यार ओलो ओसर ओई नी यार थे काटो थरा पाप। हाँ दिन डड़ा लाग रही है क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है और आप शाम के टाइम ही अड़े पूछा क्योंकि शाम के टाइम ही मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ हो है। पानी के अठे एरिया में कोनी है इशू तो मिठो। हनुमानगढ़ जिले के रणजीतपुरा गांव के अंदर दशकों पहला जो आज लगभग 100 200 300 साल पहला बुजुर्गों को एक कुओं बनाएडो हो और वो कुओं आसपास के इलाके की प्यास बुझातो हो। बता दूं रावसर मटोरिया व ढाणी दूर दूर तक का लोग है ऊंटगाटा पर एक कुआ के अंदर पानी लेके जाता है लेकिन आज को जो डिजिटल वक्त चला लग रही है इस वक्त के अंदर कुआ की जड़े जरूरत को नहीं बटे ही रणजीतपुरा गाँव के अंदर है। सरपंच और गाँव का जितना भी जागरूक नागरिक है बन पत्र लग रही होते कुओं है जुड़े होते हैं तो कुओं की साफ संभाल करिए साफ संभाल करिए कुओं को निर्माण करिए जीर्णोद्धार कराए वापस लगभग 14-15 लाख रुपए की लागत हो जीर्णोद्धार करवा के बीच जगह बड़ी बढ़िया तरीकों बना के मंदिर बनाए गए शिव जी को मंदिर बनाए। मेरा नाम शिषपाल छिंपा है। अच्छा शिषपाल जी हटगा रहना रहो। हाँ जी ग्राम शिषपाल जी पहला तो मनिया बताओ गांव के अंदर इकलौतो शिव मंदिर बने बिल्कुल इन धरती का पुण्य प्रताप है बिन कारण मंदिर बनो और पुण्य प्रताप के कारण हो का अठे के बहुत महान मान संत तपेड़ है। ई मंदिर बननु पहली कुओं बननु पहली अठे एक तपोभूमि बताओ बुजुर्ग संत है और बी तपोभूमि में एक संत रिया करता तो संत रिया करता यूँ पहली गाँव में एक बरवाड़ी गाँव अठे ई पिछली साइड में थे हुए बरवाड़ी हो तो ये संत को कुदरती आगमन और अठे को धरती में की दिखो तो संत क्या अठे आपकी कुंडी मांग ली मांडली और अठे तपस्या करने लग गया। तो इतना में क्या अठे रास्ता होया करते हो क्या बाई से जी तारानगर ने जाने खातर तो बैठे एक शाह कोई बिश्नोई रास्ता रास्ता जान ला रहा जान ला रहा और महाराज जी बैठे दिखा तो मैं दंडवत प्रणाम कर गए और जड़ो आप कने और बैठे पानी पुणी पियो बैठ के आपकी वार्तालाप करी वार्तालाप करने बाद में आपसे परिचय करियो तो भाई बोले भी कि मेरे तो गाँव वो है। तो महाराज जी बोले कि जोवड़ कुओ बावड़ी सर निकसी ताल यार ओलो ओसर ओ ही नहीं यार थे काटो थरा पाप है। चल भाई क्यों महाराज जी मैं तो ई ज्ञान ने पूरा को नहीं थे विस्तार में बताओ बात के बोलो जिको अठे कुओं को निर्माण करा देगो तो अठ बार बार सात गाँव थरा निहालो जे पानी ने और पानी एकदम ई धरती माता तपड़ी मिठो है। जद बे बोलिया कोई नहीं हो तो काम मैं करा दूंगा। तो पानी किसो गए पीने ना पानी के अठे एरिया में कोनी हो इशू तो मिठो पी के देखियो के हां मेरो तो कोन पीटो बुजुर्ग बतावे मारे दादा पड़दा तो अब जिया कुओं को पानी ऊपर तक आ रहे तो इने काम में कुओं तो निर्माण करा दियो थे घणो ही सुनो तो ये पानी इन काम में लेओगा को लेओगा पानी तो देखो जद ही कोई जरूरत पड़ छी तो भांडो ते तैयार कर दियो। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। थारो के नाम बुजुर्गो भगवान राम जी के कहना जाओगा वो कहना था अभी मंदिर बन गयो जी ठीक है बढ़िया है कुएं के तरफ बढ़िया बात है जी। एक बात बताओ भाई इतना जना बैठे होते हमारो चैनल देखे करोगे जल को हनुमानगढ़ सही सी बतायो आतू आतू पर चक्के कौन कौन देखे है सब्सक्राइब कौन कौन कर रखे सारा कर रखे हो गए। चलो भाई सब्सक्राइब चैनल देखे थे देखो भगवान राम जी चैनल मार लो भाई मैं तो देख पा ना आप सीधा था अनपढ़ आदमी आप देख पा देना। अच्छा भगवान थारो के नाम है सब अज्जू 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 जी थे के कहना चाहोगा एक युवा होते और मंदिर अब बने हो गांव के अंदर इतना टाइम हो कोनी बहुत बढ़िया काम हो गया गांव में कोई शिवलिंग कोनी हो तो अब ये है कि सोमवार ने और सोमवार की किसी बार हुआ भले ही थर सामने जात्री आने लाग रहे आवे जावे और पहला अठे या भीड़ सो मान लियो जिया इन बढ़िया को मान लो हाँ तो भी मैं के रात ने के दिन में या डराली सी जिया ही अब ये है अटके जाओ जिया जिसोरो सो है बहुत बढ़िया काम है। ओए कौन बे इन में भी मंदिर हो तो गराई शिवलिंग की स्थापना करके गराई कर लेता हाँ गराई कर लेता तो गांव कितनी गोरता बैठे बढ़िया है बहुत बढ़िया बड़ी सारी आवे हां सार काम में बढ़िया काम तो अबार में देखो थे कुआगन प्रसाद चढ़ायो अभी थोड़ी देर पहले थे कुआगन तो कुआगन के चीज को प्रसाद चढ़ायो वो चूनी। अच्छा चूनी हां गोरखनाथ जी। आ गणेश जी महाराज की फोटो आ माता पार्वती की फोटो है ये कार्तिक भगवान का है अठे गणेश जी को बस है अठे अशोक सुंदरी का है और अठे कार्तिक है अठे हस्तकमल है जी हस्तकमल है ये धनी आप शिव शंकर बाबू है इन नंदी शेर सुना जलाधारी। हाँ दिन डड़ा लाग रही है क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है और आप शाम के टाइम ही अड़े पहुंचे क्योंकि शाम के टाइम ही मंदिर के अंदर ज्यादा भीड़ हुआ है और कुआ अठों बेहतर तरीके में दिख पाओगे और अठे थे नीचे जाएंगे देख पा रहे हो बच्चा वगैरह ना गिर जाए भी चीज खातर भी विशेष सुविधा है जो विशेष सुविधा है बच्चा खातर भी करेगी। जैसे सरपंच साहब बताए मटका मटका क्यों रखा गया मंदिर के अंदर मटका या मतलब सजाना को के काम इन्हें सजा के बढ़िया तरीके में इन्हें कलाकृति दी गई ताकि उखड़ भी ना पावे कोई आंधी तूफान के अंदर हो गिर भी ना जावे मटका दिखाना को मेन मुख्य वही पर्पज है बेटा कुआ के ऊपर भी थे देख पा रहे दो मटका बट्ठे भी लागेड़ा है ऊपर पास है मटका दिखाना को कारण वही है मुख्य कारण कुओ है गांव के अंदर और मटकाऊं पानी भर के तरीके औरतां पानी भर के ले जाया करती जियां थे तस्वीर में देख पा लो रहे अठे औरतां पानी भर के है जो लेके जावा लाग रही है और बी के अलावा अब आप इले पास चलांगा तो अठे एक पुरानी तस्वीर लाग रही है
कोई राजा महाराजा के टाइम की, और आना फूल को शौक है और फूलों है जो सुगंध लेवल आ रहा है फूल की, और टंकियां वगैरह है ये भी गांव का सहयोग है पानी की टंकियां वगैरह रखवाएगी। अब आप इन आऊँगा तो जो कुओं को जो मुख्य है जो प्रवेश द्वार है, और ये प्रवेश द्वार का आप अंदर चाल के अठा चाल के जो डिजाइन वगैरह सारी, यानी कि एक तरह अपाइया कह सकता कुआ जरूर बनाएगा, बहुत गहरा कुआ भी है, अगर बच्चा वगैरह खेलन भी आवे तो लोगों ने डर को नहीं कि कुआ के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि जालियां वगैरह लगा रखी है, उचित समाधान है, उचित व्यवस्था है अड़ा गांव की तरफ जो करी गई है। लगभग 13 से 15 लाख की लागत के बीच के अंदर इस चीज़ को निर्माण करो। जो मोरियो आप बोलियाँ जो चुनाव के अंदर एक दंत कथा चल रही है, मोरियो बुला देंगे, मोरियो बुला दे, वही मोरियो है जिन्हें के अंदर बोलिया करे मोरियो बुलवा देंगे, मोरियो बुला, और मोरियो जो बोलिया करे है भी दौरान नुकसान बहुत ठाडा हो जाएगा लोगों का। अब आप इन्ने खड़े हो गए, कैमरा मैन इन्हों खड़े होगा तो मैं लास्ट को छोड़ दिखाऊंगा, वो बारह निकलने को द्वार है प्रवेश द्वार बैठूँ एंट्री करके, और वो लास्ट तक मतलब पूरा लास्ट तक है इन्हें, और एक तरीके कलाकृतियाँ दी गई विभिन्न आकर्षक डिजाइन है वो निर्माण है जो कराएगी, और भर्ती बता दूँ मैं थाने अठे जोड़ो या करते हो और जोड़ा हूँ इतनी ऊपर तक है इनको निर्माण के, तो आप भी समझ सकता कितनी मिट्टी लागी होगी ऊपर, क्योंकि पड़लवा सब भाई साहब खड़े और बीच छोर तक जड़ तक भी खड़े है, और नीचे को थे देख पाओ लाग रहा हो कितनी ज़्यादा मिट्टी लागे, लास्ट भी की जड़ व पड़ली जो नीचे जोड़ो है बा जड़ है बी जड़ से ऊपर तक खड़े है, तो मिट्टी कितनी ज़्यादा लागी होगी, भर्ती कितनी ज़्यादा हुई होगी, निर्माण के अंदर समय कितों लागे होगा, मेहनत कितनी लागी होगी, मनरेगा का मजदूर गाँव का लोग गाँव का जो जनप्रतिनिधि है सारा मिलके आखिर के अंदर जो प्रण लिए हो भी प्रण ने साकार करके है वो दिखाए है, और बी के सागे सागे ये गाँव के अंदर शिव मंदिर हो को नहीं तो कुएं के सागे सागे कुओ बाकी भगवान का मंदिर है, करणी माता का काली माता का तमाम भगवान जितना भगवान का मंदिर है, कुओं को निर्माण करवायो तो कुएं के सागे सागे सोचो क्यों ना शिव मंदिर को भी निर्माण करवा दी जाए, जी की वजह से गांव का ग्रामीण 16 MD रावत सर मटोरियावाल ढाणी और आदर्श नगर जिसे गाँव के अंदर जाओ बे गाँव का ग्रामीणा ने जो सोमवार के दिन जो शिव भगवान की पूजा कराया वह ग्रामीणा ने है अब 12 को नहीं जानो पड़े आपका गाँव के अंदर भी शिव भगवान की जो पूजा अर्चना है वह कर सके है। इनकी साइड बैठ गई एक पास में सेम के कारण है, बाकी सेम के कारण हां सेम जो इलाका है सर सेम को एरियो होत है यो साइड बैठ गई है साइड बैठ मैंने एक भी शिवलिंग स्थापना करनी है ठीक है गांव में सहयोग तो गांव पूरी मदद करिए आ शिवलिंग स्थापना गांव की तरफ हुई है जागरण भी लगी है और वाटर कूलर भी अठे दान में दी है ठीक है टंकिया पड़ी है दान में दे दी है दरी पड़ी है दान में दे दी है और पूरी पंचायत तन मन धन सहयोग है पूरी पंचायत को सहयोग है और पंचायत में भी जितना भी लोग बाग है जितनी जनता है सारी मेरी तह दिलों की मेरी मदद करिए हर काम निर्माण मत करवाए हर चीज के अंदर मदद इमे नहीं गांव में अगर सड़क बनाई है तो और जे स्कूल में कोई काम करियो है तो कोई भी काम करियो है जनता मेरे सागे ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देऊं बढ़िया भीड़ होए लुगाई पता है गीत गात भजन बाजे ठीक है बढ़िया गमो शोक ही मिले 105 किलो प्रसाद आवे मन के पंडित जी बांट दियो जो वापस लो प्रसाद आ सब बच्चन प्रसाद दियो सारा मतवन प्रसाद बांट दे रोज आप आंकलन करा भक्ता हूं कि तो तन तो लगे रोज कितना भक्ता है लोग 40 आदमी भी आ जे 40 आदमी रोज आ जे 40 आदमी आ जे जब मंदिर को निर्माण करायो जद जागरण भी करवाए होगे हां जागरण करवाए अच्छा जागरण करवायो नहीं तो 8 मंदिर मतलब गांव के 12 मंदिर बनायो दियो है तो गांव में पहला कदे मंदिर होगो नहीं और वो भी कुआ के बराबर मंदिर बनाएंगे के कहना चाहोगे बहुत बढ़िया काम है जी आज आप आए रहा हनुमानगढ़ जिला के गांव रणजीतपुरा के अंदर बता दियो रणजीतपुरा गांव के अंदर मुद्दता पहला सदियां पहला बुजुर्गों को जो गांव के लोगों की प्यास बुझाने खातर बनाए दो कुओ जो लुप्त हो चुके हो जो विकास की बाट जो है लाग रहे हो वो कुओ लुप्त हो गयो भी कुएं पर गांव के जद जनप्रतिनिधि की नज़र पड़ी तो सोचो कि क्यों ना अठे ही कुओं को वापस जीर्णोद्धार करवाया जावे जगह ही गांव को जोड़ो जो कोई टाइम के अंदर बियां बन जंगल हो उजाड़ रहे कर तो पशु पक्षियों की अड़ा आवाज आती गांव का लोग अठो निकलता तो बाने डर भी लागे कर तो बी जगह जी तो आलिशान जो पुराना कुओं है भी को वापिस है जो जीर्णोद्धार करवायो कुएं के जीर्णोद्धार के सागे सागे शिव भगवान को मंदिर भी बनवायो गाँव के अंदर मंदिर होया कर तो गाँव के लोगों ने दूर जाना पड़ता बे लोग आज सागे ही कुएं की
की पूजा अर्चना भी करा लाग रहा है और मंदिर के अंदर शिव भगवान का दर्शन करना भी प्रतिदिन आवा लाग रहा है। तो गांव के लोगों के अंदर खुशी की भी लहर है कि गांव में शिव मंदिर हो कोनी। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देखे बेल आइकन का बटन दबा दो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तार गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर थे हमारा फोन करो, मैसेज करो, मैं तारा गांव में पहुंचूंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अगर थारे भी गांव के अंदर इस तरीके को कोई प्राचीन वर्षा पुरानो कोई लुप्त होयो कुओ है तो थे नीचे स्क्रीन पर देड़ा नंबर मारू संपर्क कर सको, मैं भी कुओं की भी वीडियोग्राफी कराऊंगा और दर्शक दिखाऊंगा काम है वो खूबी कराऊंगा। तो मैंने दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।